गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। टेंथ चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज। कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। व्हेन वी लुक अराउंड वी सी मेनी थिंग्स। सम ऑफ दीज लाइक विंडो, डोर, ब्लैकबोर्ड डू नॉट मूव। दे आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और वी कैन से दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। ऑन द अदर हैंड वी सी मैन वॉकिंग ऑन द रोड, अ गर्ल प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड एंड अ बस मूविंग ऑन द रोड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। The objects in motion keep changing their position continuously. तो आपने यहाँ पर क्या देखना है कि जो चीज अपनी जगह से मूव नहीं होती वो कहलाती है या तो रेस्ट पोजिशन पे या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं वो, और जो चीज मूव होती है वो कहलाती है कि वो चीज मोशन में है। An object is said to be at rest if its position remains the same with respect to the stationary object in its surrounding. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है और उसके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसके आसपास जो भी हैं वो सब वहीं पर हैं उसके सराउंडिंग्स में, तो वो कहलाती है रेस्ट पोजीशन पे। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स इन सराउंडिंग्स। अगर कोई चीज मोशन में है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और अपने सराउंडिंग्स में जो उसके ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर है, तो वो कहलाती है ऑब्जेक्ट इन मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट होती हैं। कैसे? इसका एग्जाम्पल है, एन इलेक्ट्रिक पोल अपीयर्स टू बी एट रेस्ट और स्टेशनरी व्हेन वी ऑब्जर्व इट बाय स्टैंडिंग ऑन द रोड, बट द सेम पोल अपीयर्स टू बी मूविंग व्हेन वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। अगर आप इलेक्ट्रिक पोल देखते हो तो वो एक जगह पर रेस्ट पोजिशन में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो वहीं पर लगा रहता है, वो मूव नहीं करता। लेकिन अगर आप किसी ट्रेन में या किसी बस में किसी चीज में आप व्हीकल में मूव कर रहे हो तो आपको वो जो मूविंग जो पोल है वो भी आपको अपने साथ साथ मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो ये आपस में इनमें रिलेशन है। अ मैन सिटिंग नेक्स्ट टू द यू इन द मूविंग कार एट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू, बट ही इज इन द मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर मैन स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द रोड। अगर आप एक कार में जा रहे हो और दूसरी कार आपके साथ में चल रही है तो उसके अंदर जो पर्सन है वो रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन कार मूव कर रही है और जो सड़क पे खड़ा हुआ इंसान है उसको वो क्या दिखाई देगा, वो रेस्ट पोजीशन में स्टैंडिंग वहीं पर रोड पर खड़ा दिखाई देगा, लेकिन जो मूव करता हुआ बंदा है वो कार में बैठा हुआ वो उसको मूविंग पोजीशन दिखाई में देगा कि वो मूविंग पोजीशन में है। तो ऑब्जेक्ट जो जैसे अपीयर होते हैं मोशन में, वैसे ही उसको हम ऑब्जर्व करते हैं रेस्ट पोजीशन में एक दूसरे के साथ जोड़कर। जैसे कि यहां देखिए, एक ये है ऑब्जेक्ट है, एक स्कूल बना हुआ है। स्कूल क्या है, एक रेस्ट पोजीशन में है और बच्चे मूविंग पोजीशन में है। स्कूल अपनी जगह पर फिक्स है लेकिन बच्चे या कोई व्हीकल मोशन में है, वो मूविंग पोजीशन में है। ऐसे ही आपको आपको दिया गया लिस्ट थ्री ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। यहाँ आपको लिखना है लिस्ट थ्री ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। जो भी आप अपने आसपास में मोशन में देखें वो लिखिए, और जो आप अपने घर में कुछ रेस्ट पोजीशन में देखते हैं वो आप इसको यहाँ लिखेंगे। मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। मोशन किस किस में हम क्लासिफाई करते हैं। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। When all the parts of an object move the same distance in given time, then the motion of an object is called translatory motion. मतलब जैसे कोई कार मूव कर रही है तो कार मूव करते हुए क्या होता है कि वो पूरी की पूरी कार मूव कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि उसके सिर्फ व्हील्स मूव कर रहे हैं, कार के साथ जो पूरी उसकी बॉडी है वो भी मूव करती है, उसके सारे पार्ट्स मूव करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स कॉल्ड इस मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी एक जो व्हीकल है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन। मान लीजिए आप ऊपर की थर्ड फ्लोर से एक कार बॉल को नीचे फेंकते हैं तो वो सीधी नीचे बिल्डिंग से नीचे जाती है, फ्री मूव करती हुई, तो वो सीधी जाती है, गोल घूमती हुई नहीं जाती है या ना कि नीचे जाके टर्न हो जाती है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। कर्विलिनियर मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ कर्व्ड पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। जब कोई कार मोशन में होते हुए चलते चलते किसी कर्व में आती है, जैसे कि आप देखते हो कि
बीच में गोल चक्कर बने होते हैं रोड पर, जहां पर कि ट्रैफिक होता है, या आपने सीपी में देखा होगा कितने सारे वहां पर सर्कल बने हुए हैं। जब कार ऐसी जगह पर जाती है तो वो कर्व पाथ में चलती है, वो मोशन कहलाता है कर्विलिनियर मोशन। इसी तरीके से बॉल जो है अगर एक बच्चा थ्रो करता है, जैसे उसको रोल करता है फ्लोर पर, या एक आप डिस्क खेलते हो तो वो घूमती भी जाती है, वो कहलाती है कर्विलिनियर मोशन। नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये घड़ी की सुइयां सर्कुलर मोशन में है, हमारी अर्थ सर्कुलर मोशन में है, एक एथलीट जब ट्रैकिंग वो करता है स्टेडियम में भागता है तो भी वो सर्कुलर मोशन में भागता है। रोटेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विद आउट चेंजिंग इट्स पोजिशन इट मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। जैसे कि ये टॉप है, या आप देखेंगे कि आपके घर में फैन के ब्लेड्स हैं, या कोई व्हील है स्विंग मशीन का, जैसे आपके आपने एक जॉइंट व्हील आप देखते थे किसी भी, आप उसमें जाते हैं अप्पू घर वगैरह में आप जाते थे, वहां पर आप देखते हो किसी पार्क में जाते हो स्पिनिंग व्हील है, तो वो जब अपने ही एक्सिस पे घूमता रहता है तो वो कहलाता है रोटेटरी मोशन। जैसे कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो हमारी अर्थ दो तरीके का मोशन करती है, एक सर्कुलर मोशन और एक रोटेटरी मोशन। इसी तरीके से ऑस्किलेटरी मोशन। व्हेन आवर ऑब्जेक्ट्स मूव ट्रू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन, जैसे आपने देखा होगा कि घर में आपके कोई क्लॉक होगी जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम इस तरीके से वर्क करता है, ऐसे ही पेंडुलम नीचे लटका रहता है और वो टू एंड फ्रो, इस मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो, जो लेफ्ट राइट जाता है, या जैसे स्विंग का मोशन है, ये भी आपका टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है, जितना आगे उतना ही पीछे, तो ये अपने मेन पोजीशन से जितना आगे जाता है उतना पीछे जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, तो यहां पर आपका है ऑल ऑफ दीज, मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, ये भी सर्कुलर मोशन है, मोशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो क्लॉक की सुइयां हैं वो भी सर्कुलर मोशन है, रनिंग ऑफ एन एथलीट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ये भी सर्कुलर मोशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट इज सेट टू बी इन मोशन। जब अपनी पोजीशन चेंज करती है वो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो जब पोजीशन चेंज करने का मतलब है कि वो मोशन में है। नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में इसके आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं।